ये गैर सियासी चैनल है इस्लाम के नाम पर, मतलब ये हमने इस्लामी चैनल खोला हुआ है और हम लोग गैर सियासी होने का भी नारा लगाते हैं, और फिर साथ साथ ये पाकिस्तान जिंदाबाद वगैरह के नारे वगैरह। वाह, तो गैर सियासी को तो घर बनाएगी नहीं अपने रहने के लिए। मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, तो जो मजहबी आदमी हो कुछ ना करे, किसी मुल्क को अपना वतन ना बनाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना कराची में पैदा हुआ, कभी पाकिस्तान बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यूं मैं मतलब असलन नस्लन प्योर पाकिस्तानी हूँ। फजल से जन्नत भी इनायत फरमा। तो यूं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना या पाकिस्तान का परचम लहराना या पाकिस्तान के गुण गाना, ये कोई ऐसी सियासत नहीं है जो मजमूम हो। मुतलकन सियासत मजमूम नहीं है, वरना तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो बहुत कुछ किया। कितना एस्टेब्लिश किया, हिजाज मुकद्दस को, अहले अरब को जमा किया, फिर खाली अरब नहीं अजमी भी आकर मेरे आका की कदम बोसियां की और मुसलमान हुए। तो अब ये क्या, हर एक सियासत में आई है जरूरी नहीं। तो इसलिए दावत इस्लामी एक खालिस मस्जिद भरो तहरीक इसको समझ लें कि नेकी की दावत, बस वो बच्चा बच्चा जो है ना उसको रोको ये गुनाहों में जाके कूदे नहीं। जैसे आज वो 14 अगस्त के नाम पर वो गुनाहों की तरफ कूद रहे थे, हम थोड़ा एक्टिव हो गए कि बच्चों को रोको और रोको रोको रोको, इनके सरपरस्तों को पेरेंट्स को हम बोलते हैं ना मत जाने दो, तो ये हमारा ही काम। जिस दिन खिलाफत राशिदा का अंदाज आएगा, सबसे बड़ा सियासतदान इलियास कादरी होगा।